हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही अमेजिंग सा, चटपटा सा, कुरकुरा सा नया नाश्ता। गारंटी है आपने ऐसा नाश्ता ना कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा। बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी है। आशा करते हैं आपको ये रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आएगी। बहुत ज्यादा लाइट वेट है और दूसरी बात, एक चम्मच तेल में तैयार हो जाएगी तो आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप अपना पेट भी भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो वेट लॉस करते हैं यानी वजन कम करते हैं तो भूखे रहते हैं, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना। आपका पेट बहुत ही आसानी से भर जाएगा और पूरा दिन आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। तो इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 100% गेहूं का आटा लिया, जिससे हम लोग चपातियां यानी रोटियां बनाते हैं अपने रेगुलर लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने छान के लिया है, आपको भी छान कर लेना है। और ये हमारा 50 ग्राम है, वेट ने नाप में एक छोटी कटोरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का कटोरा लेंगे या फिर जो भी बर्तन हो आपके पास ले सकते हैं, उसमें हम अपना ये चना हुआ गेहूं का आटा डाल देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना, जितना नमक आप लोग खाते हो। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल, जो हल्का सा गर्म होना चाहिए। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। हल्का सा गर्म करने के बाद ही डालना और इसको हम अच्छे से अपने आटे में मिला लेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिलाना है और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, ना अजवाइन ना कलौंजी, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें इसमें नमक डालना है और तेल डालना है, घी और बटर भी नहीं डालना है। तो बढ़िया तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारी चीज़ें हमारे आटे के अंदर अच्छे से मिल जाए। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम कर लेते हैं और हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, इसके अंदर हम डालेंगे चने की दाल, जो हमारी आधी कटोरी है। वेट ने मुश्किल से 10 ग्राम है, नाप में ये आधी कप होगा या कटोरी, आप जिससे भी नाप ले। और यहाँ पे हमने जो दाल इस्तेमाल की है उसको हमने भिगो कर लिया है, आपको भी भिगो कर लेना है। और इसे मैंने ज्यादा देर नहीं भिगोया था, सिर्फ 10 मिनट भिगोना है ताकि दाल हमारी अच्छे से हल्की सी फूल जाए। तो हमें बहुत ज्यादा इसे नहीं फुलाना है, सारा पानी निकालने के बाद हम दाल अपनी ऐड कर देंगे इसके अंदर, मिक्सी के जार के अंदर। और अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप लोग खाते हैं। तो चने की दाल डालने से प्रोटीन से भरपूर हो जाएगा और बहुत ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें हम 3 कलियां लहसुन की डालेंगे, अगर आपकी छोटी छोटी है पतली पतली आप 4 से 5 डाल लेना। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, जिसको डंठल के साथ डालेंगे, डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 पेड़ ही डालना है और पूरा साबुत डालना है। अब इसके बाद 1 ग्रीन चिली, जिसको हम इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। अब इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो अब इसमें हम 2 चीज डालेंगे, 1 चम्मच जीरा और 5 काली मिर्च। दोनों डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अपनी रेसिपी में। अब हमें कुछ भी नहीं डालना है यानी पानी वगैरह नहीं डालना है, इसको हम कवर कर देंगे और इसको 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे बस। तो चलिए करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी चटनी नहीं बनानी, ना ही पानी का इस्तेमाल करना है, इसे हमें दरदरा पीसना है। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने इसे कर लिया है हल्का सा, बहुत ही ज्यादा मोटा मोटा रखा है, बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है। तो हो चुका है, अब हम इसे यूज करेंगे कैसे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आटा था उसको 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम बनाना शुरू करेंगे अपनी रेसिपी को। तो अब हम पानी ले लेंगे, ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसका आटा लगाएंगे थोड़ा सा टाइट, जैसे हम पूड़ी के लिए लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम टाइट आटा लगाएंगे, एक साथ पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि आटा लूज हो सकता है। तो बढ़िया तरीके से मलते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से आटा लगा लिया है। इतना आटा लगाने में मुझे सिर्फ 1/2 कप पानी लगा है और टाइट आटा लगाना है, लूज आटा नहीं लगाना है। अब इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे, तब तक चलते हैं गैस की तरफ और इसे यहीं छोड़ देते हैं कवर करके, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक कढ़ाई रखी है, जो भी कढ़ाई लीजिए थोड़ी सी भारी होनी चाहिए। अब इसे हम सिर्फ 1/2 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो हींग को हम चटकने देंगे। तो ये जो हमारा ये मसाला बना के रखा था हमने, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे सारा का सारा। तो ये देखिए हमने डाल दिया है, अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो गैस के फ्लेम को लो करते हुए हम इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि हमारी दाल अच्छे से कुक हो जाए और जो हमारे मसाले, सॉरी जीरा और काली मिर्च हमने डाला था, वो अच्छे से भुन जाए और लहसुन का जो खुशबू है वो निकल जाए। तो ये देखिए अच्छे से भून लिया है, 1 से 2 मिनट लगा है हमें भूनने में और बढ़िया तरीके से हमने इसे भून लिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे
दो मीडियम साइज के आलू जिसको मैंने बॉईल करके ठंडे करके हाथ से मैश कर लिए हैं, और इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको डालकर हम बढ़िया तरीके से वापस से इसे एक मिनट और भुनेंगे ताकि आलू की जितनी भी नमी है यानी मॉइस्चर वो खत्म हो जाए। तो इस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेना है। गैस का जो फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम रखना है और कढ़ाही थोड़ी सी भारी लेनी है। अब इसमें हम आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला जो मेरा होममेड है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी डाल सकते हैं, मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आटे में नमक है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे और इसे बढ़िया तरीके से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी जब मसाले भुनेंगे, वो आप समझ जाइएगा कि मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी चुटकी भर। तो ये गई एक चुटकी हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं यानी पाउडर, लेकिन कुटी हुई डालने से लुक बढ़िया आएगा। अब इसमें जाएगा एक चम्मच भर के चाट मसाला ताकि ये चटपटा बने। तो ये गया हमारा एक चम्मच भर के चाट मसाला जो लास्ट में डालना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया जो गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद डालेंगे, नहीं तो वो जल जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे फिर हरा धनिया डालेंगे। तो ये गया हमारा हरा धनिया 3 से 4 चम्मच और इसको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे क्योंकि हमारा पैन गर्म है, ये अच्छे से डन हो जाएगा। तो इस तरह से हरा धनिया का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। हरा धनिया जब जल जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, तब तक अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं उस तरफ और यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड देखिए आटा हमारा हो चुका है, अब हमें इसे गूंदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम इसे हल्का हल्का सा इस तरह से 1 से 2 पंच मारेंगे। अब हम इसको इस तरह से लोई बना लेंगे और बाकी हम उधर साइड में रख देंगे। तो जैसे हम चपाती के लिए लोई काटते हैं उसी तरह से हमें काट के इसको प्रेस करना है। अब इसे हम बेलेंगे, तो चलिए फटाफट बेलते हैं। तो थोड़ा सा सूखा मैदा या चावल का आटा लगा लेना ताकि ये कुरकुरा बने, तो इसलिए मैंने चावल का आटा लिया है। अब इसे हमें रोटी की तरह बिल्कुल पतला बेलना है, जैसे रोटी होती है उसी तरीके से। तो इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा फैला लेंगे। अब इसे रोल आउट करते हैं। तो आप चाहें तो मैदा भी लगा सकते हैं। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी रोटी बनानी है, इसलिए मैंने छोटा पेड़ा बनाया था। तो ये देखिए हो चुका है। इसी तरीके से हम 1 से 2 और रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 रेडी कर लिया, बाकी आटा मैंने रख दिया, उसको बाद में इस्तेमाल करूंगी। तो ये देखिए जो हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है, अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो एक हम ले लेंगे और इस तरह से रोटी जैसी होती है वैसे ही हमने किया है, बहुत ज्यादा ना मोटा है ना बहुत ज्यादा पतला किया है। अब ब्रश की सहायता से हम थोड़ा सा पानी इसके सेंटर में अप्लाई करेंगे, इस तरह से चारों तरफ हमें इसके सेंटर में लगाना है, बीच में नहीं लगाना है। अब इसके बाद जो हमारा ये आलू बना के हमने रखा था इसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसको हम बीचों बीच में इस तरह से रखेंगे, सिर्फ बीचों बीच में, किनारे नहीं रखना है, इतना ख्याल रखना। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से ये देखिए इस तरह से चिपका देंगे। तो हल्का सा जब आप पानी लगा देंगे तो इसको चिपकने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर देना। ये देखिए हो गया। तो इसी तरह हम सेम ये वाले भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक कढ़ाई रखी है, उसमें हमने 3 से 4 ग्लास पानी रखा है और पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें आधा चम्मच तेल डालेंगे, कोई भी तेल डाल दीजिए, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और बिल्कुल अच्छे से जब बॉईल हो जाएगा तभी हमें अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डालना है। तो जितने प्यार से हमने बनाया है उतने ही प्यार से हम इस तरह से इसको डाल देंगे। आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम भी लगता है और बहुत सारे घर में नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया है, तो 2 ही डालेंगे, तीसरा नहीं आ पाएगा। तो अब इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे एक साइड से और बिना टच किए हुए और गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है, अब हम कोई चम्मच से या फिर नाइफ से आप इसे इस तरह से टर्न कर लीजिए, बहुत ही आसानी से ये टर्न हो जाएगा। ये देखिए एक साइड से हो चुका है और दूसरा वाला भी हम टर्न कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी हम इसे 2 मिनट पका के फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डन है। अब इसको हम निकाल लेंगे
और ये वाला जो बचा है ये वाला भी इसी तरीके से बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये वाला निकाल दिया है, दूसरा वाला डाल दिया है, जब वो पक जाएगा तब हम साथ में सारा आपको दिखाएंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड ये इतने ठंडे हो गए कि हम इसे छू पा रहे हैं। आप इसे फ्रिज में बना के लगा सकते हैं, जब आपके मेहमान है या मन करे आप इसे खा सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं मोमोज की चटनी के साथ, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और बहुत ही लाइट वेट है, आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और इसे थोड़ा सा क्रिस्पी और कुरकुरा बनाते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक पैन रखा, उसमें हमने सिर्फ एक चम्मच तेल डाला है और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, फिर इसके बाद अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से डाल देंगे। अब इसे हम धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि कुरकुरा बन जाए और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम टर्न कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये वाला भी टर्न कर लेंगे और इसे दूसरे साइड से भी हल्का हल्का सा क्रिस्पी कर देंगे। तो हमने कम तेल में बनाया है, आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए हम दूसरे साइड से भी आपको दिखा देते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है। ये देख लीजिए दोनों ही साइड से बढ़िया तरीके से सिक गए हैं और बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ये वाला भी आपको दिखाते हैं दूसरे साइड से। तो ये देखिए ये भी हो चुका है, आपको दिखाया नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब ये हमारा जो बचा हुआ था इसको भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड लीजिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, जिसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितना ज्यादा क्रिस्पी है और सारे ही क्रिस्पी है, और दूसरी बात बहुत ज्यादा लाइट वेट है और गेहूं के आटे से बना है तो प्रोटीन से भरपूर है और हेल्दी है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ, किस किस को इसकी रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये हमारी नारियल और मूंगफली की चटनी है जो को तड़का लगा के मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से सर्व किया है, और ये रेसिपी आप किसी को भी देंगे तो वो खुशी से आपसे रेसिपी जरूर पूछेगा। तो ये देखिए चलिए हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो चलिए इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कि अंदर से कैसा है। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए अंदर से जो इसका मसाला है वो कितने अच्छे से मैंने फिल किया है। तो है ना कमाल की रेसिपी, और इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा खा के। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।